बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि आप जब केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें आप फुल नेम जब लिखेंगे तो बहुत आपके मुश्किलात आएंगी, सही है। तो आप एक सिंपल वे ढूंढा गया ताकि उनको रिप्रेजेंट कर सके एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले इस पे किसने काम किया था? 1814 में ब्रजीलियस ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था टू रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स बाय सिंबल। अब सिंबल क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन क्या है? द शॉर्टेस्ट नेम ऑफ एन एलिमेंट, सही है, यानी एलिमेंट का शॉर्टेस्ट नेम हो, या हम सिंपली क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड सिंबल। तो सिंबल जब एलिमेंट के हम लेते हैं तो उसके लिए क्या रूल है? तो उसके फर्स्ट लेटर को हम लेते हैं और वो भी हम कैपिटल में। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बोरान है तो बोरान को का हमने फर्स्ट लेटर लिया है बी और उसको हमने कैपिटल वर्ड में कैपिटल लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह कुछ एलिमेंट्स के हमने सिंबल टू लेटर पे मुश्तमिल होते हैं तो उनको हम टू लेटर सिंबल कहते हैं। तो उन टू लेटर सिंबल में आप जो फर्स्ट लेटर लेंगे वो कैपिटल लेंगे और जो सेकंड उसके साथ लेंगे वो क्या लेंगे, स्मॉल लेटर लेंगे, ठीक है। जिस तरह एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम में ए को हमने क्या लिया हुआ है, लार कैपिटल लिया हुआ है और एल को हमने स्मॉल लिया हुआ है, सही है। तो हमारे पास कुछ जो सिंबल लिखे हुए हैं जैसे बोरान के लिए बी, कार्बन के लिए सी, नाइट्रोजन के लिए एन और हाइड्रोजन के लिए H, फ्लोरीन के लिए F और ऑक्सीजन के लिए O। इसी तरह और भी एलिमेंट्स हैं जैसे आपके पास है हमारे आगे जाकर हाइड्रोजन, और हमारे पास फिर कुछ जो है लेटर हैं जो पहले हमने पढ़े हैं कि टू लेटर सिंबल्स। तो टू लेटर सिंबल्स में हम एल्यूमिनियम Al लेते हैं, कैल्शियम का Ca लेते हैं, सी बड़ा और ए छोटा, मैग्नीशियम के लिए Mg लेते हैं, हीलियम के लिए Hg एंड सो ऑन। अब कुछ हमारे पास ऐसे सिंबल आ जाते हैं जो उसके नेम में नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिल्वर है, अब सिल्वर के लिए हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, Ag आता है, सही है। तो Ag अब कहाँ से आया है? तो इनकी जो बैकग्राउंड है ये क्या है, इनके जो ग्रीक या लेटिन नेम्स हैं ये उनसे सिंबल लिए गए हैं, उनसे ये लेटर लिए गए हैं, सही है। तो सिल्वर का जो नेम है वो क्या है, अर्जेंटम है और उसी से ए जी लिया। इसी तरह गोल्ड जो है हम ए यू सिंबल उसका लिखते हैं तो वो क्या, किस लिए, आरम से लिया हुआ है। इसी तरह सोडियम के लिए हम एन ए लेते हैं तो वो नेट्रियम उसका जो ग्रीक नेम है नेट्रियम से। इसी तरह पोटाशियम का किससे लेते हैं, केलियम से, उसके लिए कौन सा लेते हैं, के लेते हैं। और इसी तरह और भी एलिमेंट्स हैं जैसे हमारे पास लेड है तो उसके लिए पी भी लिखते हैं तो वो प्लम्बम से लिख निकला हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह आप बुक्स में देख लें तो आपको और भी ऐसे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिनके नेम ग्रीक या लेटिन से उनके सिंबल लिए हुए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।